दोस्तों आज देख सकते हैं आपने जो स्क्रीन पर मॉडल देखा होगा उसी को आज हम डिस्कस करने आए हैं, जिसका साइज 36x46। हमारे एक सब्सक्राइबर थे वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर 36x46 का एक हाउस प्लान बना कर दीजिए। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो एक बहुत ही खूबसूरत सा पोर्च की रिक्वायरमेंट थी कि उनको सर पोर्च वाला घर बनवाना है। तो मैंने उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को पूरा डिज़ाइन किया है और वो हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया। अगर आप भी हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता हूँ। लेकिन वहाँ पर आपको कुछ पे करना होता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ, बट ऐसा नहीं है। लोग 10 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं, 20 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं, मैं बहुत ही कम लेता हूँ, आप जो इसमें अफोर्ड कर सकें। तो आज का जो मॉडल है उसे हम पूरा प्रॉपर से डिस्कस करेंगे और बहुत ही खूबसूरत प्लान है, आपने हमारा थंबनेल देखा ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको स्क्रीन पर हम ले चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मॉडल दोस्तों, प्रॉपर तरीके से मैंने इसका जो फ्रंट एलिवेशन क्रिएट किया है, पोर्च क्रिएट किया है, विंडो का जो स्टाइल है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन होने वाला है, पोर्च वगैरह का सब कुछ आपका बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। केवल इसमें फ्रंट से दोस्तों ओपन है, अगर आप ये घर ऐसा खेत में बनवाते हैं या कहीं ओपन एरिया बनवाते हैं तो चारों तरफ विंडो दे सकते हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी उनका सिर्फ यहीं पर था, उनका फ्रंट में ही ओपन है। तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ ये मॉडल बना है 36x46 में। तो देख सकते हैं फ्रंट का पोर्च और ग्रिल का डिजाइन। अब हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए प्रॉपर तरीके से जूम करता हूँ तो ये पहले बीम पड़ी हुई उसी पर डिजाइन बना हुआ है पूरा घर में से। टॉप व्यू अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपका पूरा टॉप से देखने को मिलता है। जो फ्रंट में विंडो का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं ऐसा मिलता है। मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ, ये स्लोप है, स्टेयर्स है जिससे पोर्च को आप एक्सेस कर पाएंगे। इसका तो ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, उसी के जस्ट बगल में लेफ्ट और राइट दोनों सब बेडरूम है, और दोनों बेडरूम में जाने के लिए बाहर से डोर है इसमें और इसमें भी। जैसे आप मेन डोर पर जाते हैं तो आप आंगन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद जस्ट दो बेडरूम आपको और देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अभी तक इस लाइन में 3 बेडरूम हो गए, एक फ्रंट में 4 और एक ये बेडरूम है, तो 5 बेडरूम यहाँ पर बने हुए हैं। वहीं बात करें अगर इसको आप बेडरूम नहीं बनाना चाहते तो किचन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये किचन ही बनवाया, उनका बेडरूम नहीं है। उनके 3 बेडरूम ये है, एक चौथा बेडरूम ये है, ये उनका किचन है, ये उनका लेट बाथ, ये स्टेयर्स है। तो ये पूरा ओवरऑल मॉडल आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखा दूँ बैक साइड से भी, इसका टॉप व्यू दिखा दूँ जिससे आप चीज़ें प्रॉपर समझ पाएँ। ये सामने से इसका मॉडल होगा फ्रंट, और इसके बाद ये आपका टॉप व्यू होगा। तीनों बेडरूम एक सीध में है, और इसके बाद आपका ये एक और रूम, इसके बाद ये आपकी स्टेयर्स, किचन, लेट बाथ, बीच में जगह आपको और भी पर्याप्त देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान था ये ग्राउंड फ्लोर। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से पोर्च को डिजाइन किया, चारों तरफ ग्रिल का कॉम्बिनेशन है जो कि खूबसूरत आपको देखने को लग रहा होगा। तो 36x36 का ये प्लान था, तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों अगर आपको प्लान हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करें, चैनल को अभी तक जुड़े नहीं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो यहाँ पर मिलते रहते हैं। और अपनी पेड सर्विस का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करिएगा तो आपको लगेगा नहीं हमने जो भी पैसा खर्च किया बहुत ही अच्छी जगह किया, आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करें और आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल करें। अगर कोई कमी है हमारे वीडियोज़ में, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमें तो उसके लिए भी मैं स्वागत करता हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।